नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम वस्तुओं को घटाना सीखेंगे। घटाने का अर्थ होता है कम करना। जैसे देखिए, मेरे पास ये कितनी स्टिक्स हैं, ये 6 स्टिक्स हैं। 6 में से मैंने कम कर दी, कितनी? 2 कम कर दी ना, तो कितनी बच गई बच्चों? 1 2 3 4 बच गई ना। 6 में से 2 स्टिक्स कम कर दी, 6 स्टिक्स कम कर दी, 2 बच गई, कितनी? 4। इस प्रकार से कम करने को हम घटाना कहते हैं, और ये घटाना का निशान है। क्या है बच्चों घटाने का चिन्ह? ये। आइए हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये सवाल करते हैं। 34 में से 10 कम करेंगे। 34 कितने होते हैं? 3 बंडल और 4 वस्तुएं, खुली वस्तुएं। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, आपने इसी तरीके से करना है। कम करना है 1 बंडल, तो खुली वस्तुएं 4 की 4 रहेंगी हमारी। 3 में से 1 बंडल कम कर दिया, 2 बंडल आ गया हमारा। इस प्रकार से ही हमारा उत्तर सीधा ही आ गया, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। 26 में से 15 कम करना, यानी कि 2 बंडल 6 वस्तु कम करनी है, 1 बंडल 5 वस्तुएं। बड़ा सरल है। वस्तुओं में से वस्तुएं कम कर दो, 6 वस्तुओं से 5 वस्तुएं कम कर दी, 1 वस्तु बच गई, और बंडल में से बंडल कम कर दिया, 2 बंडल थे, 1 बंडल का कम कर दिया, 1 बच गया, 11 उत्तर आ गया, बिल्कुल सरल है। इसी प्रकार ये करेंगे, 3 बंडल 6 वस्तु घटानी है, 2 बंडल 4 वस्तु। कैसे करें? बंडल में से बंडल वस्तु में से वस्तुएं कम कर देंगे, 6 में से 4 गया 2 वस्तुएं, और 3 में से 2 गया 1। ये तो आसान है, परंतु जब हमारे पास मुश्किल कब होती है? जब हमारे पास इस प्रकार के सवाल आते हैं कि वस्तुएं होती हैं कम और घटानी होती है ज़्यादा। कैसे? देखिए, ये 14 वस्तुएं हैं, 8 कम करनी है। हमारे पास 14 आम थे बच्चों, कितने आम थे? 14 आम। आप 8 आम तो खा ही सकते हैं ना, आपके पास ज़्यादा आम हैं, आपने 8 आम खा लिए, तो आपके पास कितने आम बचेंगे? 14 आम का मतलब, देखो इस प्रकार से, 14 कितने होते हैं? 10 और 4, यानी कि 1 बंडल और 4 खुले आम, पेटी बना रखी थी आमों की, और आपने उस सारी में से 8 आम खाने हैं। खुले आम तो केवल 4 ही हैं हमारे पास, तो अब क्या करें बच्चों? इस बंडल को हम खोल देंगे। क्या करेंगे? इस बंडल को हम खोल देंगे इस प्रकार से। बट जब बंडल को खोल दिया तो हमारे पास कितने आम आ गए? 10 आम, और 4 आम यहाँ हैं, तो कितने आम हो गए खुले? 14 खुले हो गए। कितने खुले हो गए? 14। बंडल कितने बच गए? 0 बच गए, 0 बंडल बच गया। अब 14 खुले आम हैं, 14 खुले आमों में से 8 खा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 खा लिए, ये तो 8 तो खा गया। कितने बच गए? 6 बच गए, 6 आम आपके पास बच गए, और यहाँ पर 0 आपके पास बंडल आ गया। तो इसी को मानक तरीके से कैसे करेंगे हम? इसी को जब हम इस बंडल को खोल देंगे तो 10 खुलेंगे हमारे, क्योंकि 1 बंडल 10 होते हैं ना, तो यहाँ से जब हम इसको लेके जाएंगे तो 10 का जाएगा सीधा ही, और 4 पहले पड़े तो 14 आम हो गए। यहाँ पर कितने आम हो गए बच्चों? यहाँ पर 14, यहाँ पर कितने बच गए? 0। 14 आम में से 8 आम गया, 6 आम और ये 0, 6 आम हमारे पास इस प्रकार से बच गया। इस प्रकार से आपने हासिल की अवधारणा को समझना है। यहाँ से इधर लेके गए तो 1 नहीं जाएगा, बल्कि क्योंकि इधर 1 बंडल है तो वो 10 जाएंगे, और 4 पहले पड़े तो यहाँ पर 14 हो जाएंगे। आपने ऊपर लिख लेने हैं, फिर घटा के नीचे आपने करना है। चलिए और सवाल देखते हैं। 23 आम घटाने हैं, 15 आम। ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, 2 बंडल 3 आम और 1 बंडल, यानी कि 1 पेटी आम की है, और 5 आम। अब खुले आम हमारे पास कम है, बंडल तो पड़े हैं लेकिन खुले आम कम है, तो क्या करेंगे हम? 5 आम खुले हैं, 3 आम खुले हैं, हमने खुले खाने हैं, 3 तो खा गए पहले, 2 और कहाँ से लेके आए? तो पहले हम बंडल को खोल लेंगे, इस बंडल खोल लेंगे। तो 1 बंडल को जब खोलते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं? 10। कितने होते हैं बच्चों? 10। तो यहाँ पर 10 आम यहाँ आगे, 3 आम पहले पड़े हैं, तो कितने आम हो गए हमारे पास यहाँ पर? 13 आम। और बंडल कितने बच गए? 1 बंडल बच गया,
क्योंकि एक तो खोल दिया हमने, अब 13 आम में से 5 आम खा गया। कितने थे आम थे? 13 आम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 खा जाओ, 1, 2, 3, 4, 5 खा गए। कितने बच गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आम यहाँ पर बच गए। और बंडल कितने बच गए? 0 बंडल बच गए, क्योंकि एक बंडल था एक ही बंडल खाना है, ये भी एक बंडल था, एक बंडल खत्म करना है ये भी, तो बंडल कितना बच गया? 0 बंडल बच गया। तो इस प्रकार से उत्तर कितना आ गया बच्चों? 8, क्योंकि यहाँ से ले लिया 13, यहाँ बच गया एक, एक बंडल था, एक बंडल बंडल का बंडल खाना है तो 0 बच गया, तो यहाँ पर 8 आम हमारा उत्तर आ गया। इस प्रकार से हम हासिल वाले सवाल भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसको बंडल खोलने को हम हासिल लेना भी कहते हैं। चलिए और सवाल देखते हैं। 42 घटा 27 कैसे करें? अब खुले आम कितने हैं यहाँ पर? 2 आम, और खुले आम खाने कितने हैं? 7, तो हम नहीं खा सकते। क्या करेंगे बच्चों? एक बंडल को खोल लेंगे। जब यहाँ से एक बंडल खोलेंगे तो 10 आ गए यहाँ से, 10 और 2 पहले पड़े तो यहाँ कितने हो गए? 12, तो बंडल कितने बच गए हमारे? 3 बच गए, तो 12 में से 7 गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 खा लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 खा लिए, तो कितने बच गए बच्चों? 5 बच गए। अब बंडल कितने बचे हुए? 3, और बंडल कितने कम करने हैं? 2 कम करने हैं। 3 बंडल में से ये देखो 3 बंडल है ना, 10 10 के 2 बंडल कम कर दिए, कितने बच गए? 1 बच गया, 1। इस प्रकार से घटा का सवाल आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और देखिए, 84 घटा में 48, ये घटाना है। एक सवाल और देखिए, इससे पहले यहाँ पे खुले आम 7 हैं, खाने कितने हैं? 2, 7 आम ज्यादा होते हैं, खुले पहले ही ज्यादा हैं, तो खुले 7 आमों में से ये देखो, ये 7 खुले आम 7 हैं, 7 में से 2 कम खा गए हम, पहले कितने बच गए? 5, सीधा ही 5 बच गए। यहाँ पर हमें बंडल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बंडल आपने वहीं पर खोलने हैं जहाँ पर आपको बंडल खोलने की जरूरत पड़े। अगर बंडल खोलने की जरूरत ना पड़े तो आपने नहीं खोलने, 4 में से 3 बंडल कम कर दिए, 1 बंडल सीधा ही आ गया। अब यहाँ पर देखो 4 खुले हैं, खुले कितने बच्चों? ये 4, और कम कितने करने हैं? 8, तो 4 में से 8 कैसे कम करें? तो यहाँ पर क्या करेंगे? बंडल खोल लेंगे, इस 8 बंडल है ना, 8 बंडल में से एक बंडल को हम खोल देंगे तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। एक बंडल से भी खोला हमने तो कितने आम आ गए? 10 आम, और 4 पहले पड़े हैं तो 14 आम हो गए यहाँ पे। अब घटाएंगे इसको, 14 में से 8 गया 6 आम, और 7 बंडल में 4 बंडल गया 3 बंडल। इस प्रकार से आप ये घटाने के सवाल आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अपने गणित की पुस्तक चैप्टर 3 कक्षा घटाना कम करना, वो आप वहाँ पर करें, और अपने अध्यापकों से अपनी कॉपी लॉकडाउन के दौरान चेक अवश्य करवाएं, व्हाट्सएप के माध्यम से चेक करवाएं। आप वीडियो को देखें, लाइक करें, लाइक अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।